हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आज हम बात करेंगे न्यू i20 स्पोर्ट्स मॉडल के बारे में। आज हम उसका रिव्यू देंगे, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। फ्रेंड्स, आप जो कलर देख रहे हैं ये i20 का टाइटन ग्रे कलर है। i20 में हमें टोटल 8 कलर का ऑप्शन मिल जाता है। जो फ्रेंड्स आप सामने गाड़ी देख रहे हैं, इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल का इंजन है और इसकी ARAI सर्टिफाइड माइलेज 21 है, जो कि i20 जैसी गाड़ी के लिए अच्छी है। अगर हम इस i20 के लुक की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टाइलिश बना दी गई i20 पहले के मुकाबले में। और इसमें अगर हेडलैम्प की बात करें तो इसमें नॉर्मल हैलोजन लैंप दिए गए हैं, जो कि हमें रात के समय में सफिशेंट विजिबिलिटी देते हैं। इनका कंपेरिजन हम प्रोजेक्टर हेडलाइट से करते हैं तो उसके कंपेरिजन में तो इन हेडलाइट की विजिबिलिटी कम है। अब हम इससे नीचे आते हैं तो हमें नीचे डे टाइम LED DRL देखने को मिलती हैं और उसके नीचे फोग लैंप, प्रोजेक्टर फोग लैंप दिए जाते हैं इस मॉडल में हमें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाते हैं 2021 i20 स्पोर्ट्स मॉडल की साइड की लुक। तो साइड से देखने पर ये कुछ ऐसी लगती है, जो कि काफ़ी स्टाइलिश बनाई है हुंडई वालों ने। इसमें आपको साइड से एक क्रोम की लाइनिंग मिल जाएगी जो फ्रंट से रियर की तरफ जाती है। स्पोर्ट्स मॉडल में आपको ऐसे कुछ टायर देखने को मिलते हैं, ये अलॉय व्हील की लुक देते हैं, लेकिन ये अलॉय व्हील है नहीं। स्पोर्ट्स मॉडल में व्हील कवर को अलॉय व्हील का डिज़ाइन दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी लुक देते। i20 के स्पोर्ट्स मॉडल की कुछ ऐसी दिखती है, एक रिमोट की है और एक सिंपल की हमें इसमें देखने को मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम i20 स्पोर्ट्स मॉडल का इंटीरियर आपको दिखाते हैं। ऐसा कुछ डोर हमें देखने को मिलता है i20 स्पोर्ट्स मॉडल के अंदर, और इसके डिजिटल मीटर के अंदर ये हमें प्रॉपर शो करती है कि हमारा कौन सा डोर खुला है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हम की को इंसर्ट और देखते हैं इसके डिजिटल मीटर की लुक की हमें कैसे देखने को मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फिर से हमें दिखा रही है कि डोर कौन सा खुला है, एग्जैक्ट डोर की वार्निंग दे रही है। ऐसा कुछ देखने को मिलता है हम जब की को इंसर्ट करके ऑन करते हैं। ये हमें लो फ्यूल का इंडिकेशन भी देती है। स्पोर्ट्स मॉडल में हमें एक तरफ स्पीड का मीटर देखने को मिलता है फ्रेंड्स, और एक तरफ हमें RPM मीटर दिया गया है, और बीच में जो हमारी इंफॉर्मेशन शो होंगी वो सब है। और ये टच स्क्रीन दिया जाता है हमें, इसके अंदर इनबिल्ट रियर कैमरा भी है जो कि कंपनी फिटेड हमें मिलता है। ऐसा कुछ हमें AC के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, और ये 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिलता है हमें स्पोर्ट्स मॉडल में। ये आर्म रेस्ट ये पिछले मॉडल की तरह है, एडजस्टेबल नहीं है, और आगे की तरफ 2 कप होल्डर और हैंड ब्रेक हमें देखने को मिलता है। इसमें पता नहीं क्यों कंपनी ने एडजस्टेबल हैंड रेस्ट हटा दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कुछ डोर की लुक देखने को मिलती है हमें। इसमें चारों कार विंडो कंट्रोल और रियर की विंडो लॉक और साइड के मिरर को हमें फोल्ड करने के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो अब चेक करते हैं फ्रेंड्स, इसके इसमें क्या क्या फीचर और क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें ड्राइवर इन्फो में दिखाता है किलोमीटर कितनी चली है, और किलोमीटर पर लीटर एवरेज टोटल किलोमीटर में आ रही चली है, उसकी इंजन रनिंग टाइम जैसे इंफॉर्मेशन ये इसके डिजिटल मीटर में हमें मिल जाती है, और इंजन का टेम्परेचर, और नीचे की तरफ हमें टोटल किलोमीटर गाड़ी कितनी चली है ये सब हमें शो होता है। इसके स्पीडोमीटर के अंदर हमें डिजिटल स्पीड और कितना हमारी टंकी में फ्यूल है वो सब दिखाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, टच स्क्रीन कुछ ऐसा है। इसके नीचे की तरफ आपको पार्किंग लैंप दिए गए हैं, और इस साइड मीडिया का कंट्रोल, रेडियो और सेटिंग वगैरह, सेटअप ट्रैक सीक वगैरह के ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम इसके टच रिस्पॉन्स की बात करें तो टच रिस्पॉन्स i20 स्पोर्ट्स मॉडल का जो टच स्क्रीन है उसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है चलने में। साइड डोर पे हमें हीटर बोतल होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ ही हम अपने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी इसमें कैरी कर सकते हैं। इस मॉडल में हमें जो रियर का देखने के लिए सेंटर में मिरर दिया गया है, ये ऑटो डिमिंग मिरर नहीं है, ये हमें मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये इसके सेंटर में दो हेडलाइट दी गई हैं, जो कि
हमें यहाँ से प्रेस करने पर ऑन होंगी और यहाँ से भी हम दोनों को इकट्ठी ऑन कर सकते हैं। इस मॉडल में हमें हमारे ग्लासेज रखने की भी जगह दी गई है जो कि काफ़ी अच्छे है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके स्पेस चेक कर लेते हैं, इस गाड़ी में कितना स्पेस है। तो मैंने सीट अपने ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी थी, तो इतना कुछ मुझे इसमें स्पेस मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पीछे की तरफ जाकर देखते हैं कि इसमें कितना स्पेस बचा हुआ है। रियर डोर की लुक फ्रेंड्स ऐसी कुछ देखने को मिलती है। इसमें भी आपको 1 लीटर वाटर होल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अब मैं बैठ गया हूँ फ्रेंड्स, और मुझे पीछे इतना कुछ स्पेस दे मिल रहा है जो कि, और फ्रंट सीट मेरी ड्राइविंग पोजिशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। और ये रियर में हमें एसी वेंट दिए गए हैं और इसके नीचे फ़ोन रखने की जगह दी गई है, और नीचे चार्जिंग के लिए हमें यूएसबी केबल का ऑप्शन दिया गया है। फ्रेंड्स, अब हम i20 स्पोर्ट्स मॉडल की रियर की लुक देख लेते हैं कि देखने में कैसी है। तो ऐसी कुछ लुक हमें देखने को मिलती है i20 स्पोर्ट्स में। ऊपर की तरफ हमें इसमें शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है, और ऐसी कुछ पीछे की बैक लाइट हमें देखने को मिलती है, और इसमें पीछे की तरफ स्पोर्ट्स मॉडल की बेजिंग हमें देखने को मिल जाती है, और इस साइड हमें फ्यूलिड मिलता है जो गाड़ी अनलॉक होने पर प्रेस करने से ही ओपन हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। ऐसा कुछ हमें i20 स्पोर्ट्स में बूट स्पेस देखने को मिलता है। इसमें आपको लगेज होल्डर मिल जाते हैं और ये दूसरी साइड भी मिलते हैं। इस मॉडल में आपको बूट स्पेस में कोई लाइट नहीं दी जाती है, और इसमें बंद करने के लिए यहाँ से हम पकड़ कर इसको बंद कर सकते हैं। ये बटन दिया गया है जिसको प्रेस करने से ये ओपन होती है। इस मॉडल में फ्रेंड्स आपको रियर कैमरा भी दिया जाता है जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है। इस कैमरे के अंदर फ्रेंड्स डायनेमिक गाइडलाइंस भी दी जाती हैं, जैसे ही हम स्टेयरिंग को मूव करते हैं तो लाइंस भी मूव होंगी। रियर में बैठने पर फ्रेंड्स ऐसी कुछ लुक हमें देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। ये था फ्रेंड्स i20 स्पोर्ट्स मॉडल का 2021 का रिव्यू। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।